तीन बार टिकट मुझे बदलना पड़ा और मुझे रात में विश्राम करने का मौका मिल गया, कुछ लोगों से बातचीत करने का भी मौका मिल गया। तो मैं कल सुबह प्रातः काल चला जाऊंगा। आगे 25 तारीख को पटना में एक व्यापक कार्यक्रम है, बहुत अद्भुत कार्यक्रम है, वो भी इसी संस्कृति संस्कार संरक्षण का संगम होने जा रहा है। और पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय के 150वीं जयंती पर पहली बार बिहार में एक सम्यक संस्कृति संस्कार और संरक्षण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आप में से अनेकों को, जो कोई भी जा सकते हैं चले, और उस संस्कार के कार्यक्रम में मिथिला विभूति के रूप में बैद्यनाथ चौधरी जी का भी वहां सम्मान होगा, वो भी सम्मानित किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस कार्यक्रम को मैं यही विराम देता हूं। और एक बात ये कह करके, देखिए हम सभी भारतवासी हैं ना, हम सभी भारतवासी हैं, और भारत के भारत विश्व में कोई देश आपने सुना है जो अपनी अपने देश को मां कह करके पुकारता हो? कभी सुना है? जापान माता सुना है? नेपाल माता सुना है? नेपाल के 3 सांसद गए, नेपाल माता, बर्मा माता, श्रीलंका माता, थाईलैंड माता, अमेरिका माता, रूस माता, जर्मनी माता, ऑस्ट्रेलिया माता, चीन माता, कभी सुना है? नहीं सुना है। एकमात्र विश्व के अंदर एकलौता देश है जहां मां को भारत माता के रूप में सत्य श्यामला भारत माता, सत्य श्यामला भारत माता जननी जन्मभूमि स्वर्ग दपि चिरगरी, जननी जो जन्म देने वाली माता जिसके कोख से हम पैदा हुए, और जन्मभूमि जो हमारी मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। इसलिए मिथिला, मैथिली, बिहार और ये असम, ये भारत एक है, एक है, एक है, इसको कभी मिटने नहीं देंगे। और आज अंत में मैं यही कहूंगा, अगर ये भारतीय संस्कृति के हम पोषक हैं, हम भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, हम भारत के चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, गलियारे में रहने वाले हो, खेत में रहने वाले हो, खलियान में रहने वाले हो, हम भारत को एक देखना चाहते हैं। माफ करिएगा, कभी कभी कुछ लोग विदेशी मानसिकता से, और मैं ये कहना चाहता हूं विशेष करके पूर्वांचल के राज्यों में या अन्य मुल्क में, कहीं लिट्टेवाद की बात होती है, कहीं पूर्वांचल को अलग देश बनाने की बात होती है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है अगर कोई बिहारी मुंबई में और गुवाहाटी में पीटे जाए, और कोई असम का भाई अगर बिहार में उसके साथ अपमान होता है, तो यह अपार कष्ट का विषय है। और मैं चाहता हूं सबका सम्मान होना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, सभी जाति, सभी बिरादरी, सबका सम्मान, सभी भाषाओं का, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, देश के अंदर सबको रहने का अधिकार है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहां विराम देना चाहूंगा, और मैं पुनः आपसे कहूंगा कि भारत है तभी हम हैं। अगर ये भारत मिट जाएगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हमारी मिथिला संस्कृति भी नहीं रहेगी। इसलिए भारत को एकजुट करके रखना हमारा और आपका ये बहुत बड़ा पुनीत कर्तव्य है। और मैं आज इस गुवाहाटी की धरती पर ये घोषणा करना चाहता हूं, यहां बड़े बड़े साहित्यकार होते रहे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहां पर मिथिलांचल और ये असम को पूरे देश से जोड़ने का काम किया है, लेकिन आज कुछ ऐसे लोग भी, कुछ विस्फोटक पदार्थ भी यहां कभी कभी पैदा हो जाता है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। देश को कोई तोड़े नहीं, देश एकात्मता की ओर बढ़े, देश एकाग्रता की ओर चले, देश समृद्ध हो, ये राष्ट्र नवनिर्माण के लिए हम और आप आगे बढ़ते रहें। मैं चाहूंगा कि इस राष्ट्र मंदिर को कभी भी, इस मंदिर को अपवित्र मत होने दीजिए।
और यही कहकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय मैथिली, जय असम, जय भारत, जय हिंद। आप सबको नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद श्रीमान। हम अपने एकटा चीज घोषणा अनुरोध करय चाहे छी, प्रस्ताव करय चाहे छी, जे अपने से पहिनो भेंट केने रही तक कहने रही, एक बेर पुनः विचार कयल जाय कि पटना में एकटा आश्रम भवन होय और गुवाहाटी में एकटा बिहार भवन होय। एकर हमर अपने से अनुरोध अछि, एहि पर मे बिहार सरकार आश्रम सरकार से कनी बातचीत करे एक मिनट सर। और अपने के हम मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति जरूर चलबै छी, लेकिन हमसब एहिठाम बिहारो दिवस मनेने रही और अपने के पत्रो पठेने रही, लेकिन ओहि पत्र के हमरा जवाब नहि भेटल। तथापि हमसब 23 मार्च 2011 के बिहार दिवस के शुरुआत कऽ देने रही और ओकर हम पुनः 22 मार्च के ओकर समापन सेहो करब। हमर अनुरोध कि अपने पुनः एक दिन के लेल गुवाहाटी आयल जाय, जाहिमे कि अपने के एतेक छोट जनसंख्या नहि भेटत, बहुत बहुत पैघ जनसंख्या भेटत। ई हमर मतलब सौभाग्य अछि कि अपने एहिठाम छी बजू बाबू के माध्यम सँ। ताहि दुआरे बहुत अनुरोध कि बिहार दिवस हम पुनः ओकरा समापन करबै जकर शुरुआत केने छियै, दीप जरेने छियै, ओहिमे अपने या अपने अवेलेबल नहि छी तऽ कोनो बिहार सरकार के जे छथि मंत्री महोदय तिनका अगर उपलब्ध करा दी तऽ हम सब बहुत आभारी रहब। और ओ बहुत पैघ हेतै, ई हमरा तऽ उपलब्ध नहि भेल, एहिठाम कनी विशेष दोसर तरहक बात छै, ताहि दुआरे छोटो जगह मे सुरक्षित जगह मे रहनाइ कनी उचित बुझना जाइए। ताहि दुआरे ई हमर दूटा अपने सँ अनुरोध छल, एकरा एहि मन सँ अपने के समक्ष राखि रहल छी। जो पहली बात को आपने कहा कि बिहार में आश्रम भवन बनना चाहिए और असम में बिहार भवन बनना चाहिए, तो आपके कहने के पूर्व हमने अपने कैबिनेट में भी अपने मित्र मंत्री माननीय मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर चुका हूं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है देश के अंदर, उन सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर राज्य के वहां कोई इस प्रकार का भवन हो, ताकि इंटरलिंक भी होगा और आर्थिक दृष्टिकोण से भी, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी हम एक दूसरे को, उनकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक दूसरे को जोड़ पाएंगे। तो आपकी बात को मैं पुष्टि करता हूं, क्योंकि इस बात को मैं पहले भी रख चुका हूं और पुनः आपकी भावना का कद्र करते हुए मैं आज के इस सांस्कृतिक आज के इस सम्मेलन के माध्यम से जो विषय आपने रखा है, मैं जरूर चाहूंगा कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को पुनः मैं स्मरण कराने का प्रयास करूंगा। हो सकता है आज नहीं तो जल्दी ही कुछ न कुछ इस पर भविष्य में निर्णय हो, तो इसके बारे में मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात आपने कहा है, क्या कहा आपने, 22, 23, 24 मार्च को बिहार दिवस है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम बिहार में हो रहा है, तैयारी चल रही है जगह जगह, और उस समय प्राय सभी मंत्री को बिहार में रहना है। फिर भी कई जगहों से, सूरत में, गुजरात में भी, अन्य प्रांतों से भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिहार दिवस मनाएंगे, सभी जगह पर तैयारियां भी अन्य राज्यों में भी हो रहा है। मैं सूरत गया था अभी 2 महीना पहले, उन्होंने भी कहा कि आपको कोई 3 दिनों में से एक दिवस में आना है, तो मैं प्रयास करूंगा, हमारे कोई, मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अगर 22, 23, 24 में कौन सा दिन खाली दिन होगा, यानी कि जिसमें हम सब लोगों की सहभागिता की बहुत अनिवार्यता नहीं होगी, तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, आप उसको विधिवत भेज देंगे तो मुझे यहाँ आने में भी प्रसन्नता होगी, वहां स्वयं माँ कामाख्या का दर्शन होता है यहाँ आने से। तो बहुत इसके बारे में जो विचार आया है उसको मैंने आपके सामने रखा है। उद्घाटन करता माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे सौ हमरा लोकनी बड़ा उत्साहवर्धक पांडित्यपूर्ण भाषण हुनकर मधुर वाणी में सुनल। प्रियंका जी भाई साहब एक मिनट,
हमरा आमंत्रित करबाक लेल आवास पर गेल छलहुँ। 4 दिसंबर का विधान परिषद अध्यक्ष भवन में भेंट कलियै, कहलनि जे गप एतौ नहि हेतै प्रेमकांत जी, गप एतौ नहि हेतै, गप हेतै डेरा पर, काल्हि डेरा पर आओ। दुनू आदमी तैयार भेलहुँ, हम आ डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी तैयार भेलहुँ। 8:30 बजे समय देलनि, हिनका डेरा पर पहुँच गेलहुँ। कहलखिन जे हिनका सबके पहिने मिठाई तिठाई खुआउ, मिठाई से भरि पोह खेलहुँ, तकर बाद अपने अला। कहलनि जे कने काल और बैसू, तो मोन पड़ि गेला दरभंगाके डॉक्टर ई सोनाम धन्य वकील नागेश्वर मिश्र। नागेश्वर मिश्र कहथिन जे अपेक्षाक तीने टा आधार, आयब जायब, खायब पीब आ लेब देब, ई तीनू नहि तऽ अपेक्षा की। बुझाइए बैजू बाबू, हिनकर किछु विचार छनि बुझाइए। आगामे नवका हरियर धानक चूड़ा, दही, चीनी, गुड़ सचार लगा कऽ भरि पोख हमरा सबके खुओलनि। 12 बजे रहे रंजना जी ओहिठाम, दुनू के माछ भात खेबाक। रंजना जी फोन कलियनि धरफरहरमे, आब दू करियौ, 2 बजे कहलियनि जे 2:30 बजे कऽ दियौ। तहन बुझऽमे आयल जे सोझे मंत्री रहते तऽ बुद्धिमान रहतथि, आ बुद्धिमान अपन काज करैए, दोसरक उपकार नहि करै छै, बुद्धिमान अपन उपकार करैए। सोझे जँ रहतथि भागलपुरक तऽ बुद्धिमान रहतथि जे मिथिलामे विवाह भेलनि तैं विद्वान भेलाह, आ विद्वानक काज छै परोपकार केनाइ। विद्वानक काज छै परोपकार केनाइ। 1 मिनटमे कहि दै छी सबटा बात। सीताम्बर जी जे कहलनि कांग्रेसक सरकार प्राथमिक शिक्षा मैथिली माध्यमसँ होइ से केने छलै, इहो सरकार किताब छापि कऽ रखने छै, मात्र प्रयोजन एतबे छै जे लोक उत्सुक होइ अपना बच्चाक पढ़ेबाक लेल। तऽ एकटा प्रश्न केने छलखिन अहाँके विनोद नारायण झा, जे शिक्षकके बहाली नहि होइ छै, तऽ सरकार कहलकै, शिक्षा मंत्री कहलखिन जे शिक्षकके बहाली एहि दुआरे नहि होइ छै जे मिथिलामे जे शिक्षक छै तकरासँ अपेक्षा कयल जाइए जो मैथिली जननिहार छथि, मैथिली पढ़ा सकै छथि। मुदा एकटा सूचना हम अपनेके दऽ दी जे एहि बेर जे पात्रता परीक्षा शिक्षकके लेल भेलैए, ताहिमे मैथिली विषयके लेल सेहो परीक्षा भेलैए, मैथिलीके प्रश्न सेहो छलैए। तैं निश्चित रूपे आब जे बहाली हेतै तऽ मैथिली शिक्षकक बहाली सेहो हेतै, ओकरासँ अपेक्षा कयल जेतै जे मैथिली ओ पढ़ा सकै छै। तैं कतौ कोनो एहन दिक्कत नहि छै, किताब तऽ भरल छै। जिज्ञासा हमरा अहाँ करबाक अछि जे प्राथमिक इसकुलमे जाय शिक्षकसँ कहियनि जे अहाँ किताब मंगाउ, धियापुताके पढ़बियनि। बिहार सरकारसँ बहुत बात, चौबे जीसँ बहुत बात, चौबे जीके तऽ जान देखै छियनि, गंगा कातक जहिना छथि तहिना होइए जा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो चुकी बातें बहुत, हो चुकी बातें बहुत, कुछ काम होना चाहिए, हर किसी का दर्द अपने नाम होना चाहिए, हर किसी का दर्द अपने नाम होना चाहिए। बिहार सरकार चाहे छे जे सबहक दर्द सरकारक संग रहे, तो बिहार सरकार के एकटा उद्देश्य छे जे तपती हुई जमी है जलधार बांटते हैं, पतझर के रास्ते पर बहार बांटते हैं, ये आग की है दरिया जीना बड़ा मुश्किल, नफरत के इस दौर में भी प्यार बांटते हैं, नफरत के दौर में भी प्यार बांटते हैं। बिहार सरकार एतबे टा काज करै छै, सामाजिक सद्भाव, साम्प्रदायिक सद्भाव बना के रहे, प्यार बनबे, प्यार बटे। शंकर जी के समापन। उपस्थित विद्वत समाज, सलामर आओ जे पूर्जी पठौलखिन हैं, मान्य अश्विनी जी से हम कहऽ चाहै छियनि, हिनकर इच्छा छनि भीतर के जे बिहार में द्वितीय राजभाषा मैथिली होय, एकर घोषणा बिहार सरकार करैत ओही से बहुत कल्याण भ जेतै। एक दोसर बात, ई जे पात्रता परीक्षा भेलै हैं ताहिमे 7 लाख विद्यार्थी लगभग भरल गेल हैं, ओकर 5 टा जे भाषा छलै, 2 टा भाषा भरू जाहिमे मैथिली छलै, सेहो 7 लाख विद्यार्थी, तऽ मैथिली के शिक्षक के अलग से नियुक्ति होय। बिहार सरकार जे वैकेंसी निकालके हैं से ओहिमे बंगला के शिक्षक के नियुक्ति छै जे निकलै छै, उर्दू के शिक्षक छै, संस्कृत के छै, लेकिन मैथिली के शिक्षक नहि होय, प्राथमिक शिक्षक के
बच्चा पढ़ते से जहन मैथिली शिक्षक नहीं हेतु केना हेतु एखन भोजपुर के या यूपीओ के विद्यार्थी जो भरल के हैं जो हमारा तो परीक्षा दे पात्रता परीक्षा में तो ओकरो अपॉइंटमेंट हेतु तो कि वो मैथिली पढ़ेते तें राजकालक भा हर हमारा बुझने यह अपेक्षा छे बिहार सरकार से जो राजकालक भाषा बिहार मिथिला में मैथिली हुई द्वितीय राजभाषा और मैथिली के अलग से शिक्षक के नियुक्ति के वैकेंसी कहकर भे कापर जी जो कहल व्याकरण तो भाषा और साहित्य दूटा चीज कहल जाए भाषा जो है जरा बोली से संबंध है वो तो पाँचे कोष पर बदल जाए जो विद्यापति के पढ़े तो अखुनका दरभंगा या मैथिली के बजनहार या समस्तीपुर के बजनहार बहुत अंतर है ते